सतिया, मेरे प्यारे सतिया, आरआरबी आरपीएफ का नियो भर्ती शुरू हो गई, तो आप वीडियो को एंड करके कांस्टेबल में कितना पद है, एसआई में पद कितना है, तो आपको डिटेल में आपका कितना लगेंगे, कितना आपका क्वालिफिकेशन लगेगा, कब अप्लाइंग डेट शुरू होगा, कब लास्ट डेट होगा, तो ध्यान से वीडियो को देखें। देखो पहले आपका एज लिमिट बोलते हैं, आपका एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स तक। अगर आपका 18 उम्र हो गई तो आप अपना कर सकते हैं 30 साल तक। तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए अलादा एक रिलेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आपका क्वालिफिकेशन कॉन्स्टेबल पद में जाने के लिए आपको 10th पास लगेंगे और एसआई पद में जाने के लिए आपको 12th पास। तो बहुत सारा साथियों अगर तैयारी कर रहे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। आप आरपीएफ का फॉर्म भर्ती शुरू हो गई तो उसका फॉर्म भरे और अपना जल्दी से जल्दी अपना पढ़ाई की तैयारी करें, क्योंकि सीबीटी एग्जाम बहुत ही कठिन होने वाला है। तो सीबीटी एग्जाम के लिए आप जितना तैयारी करें उतना फिजिकल के लिए भी तैयारी करें, और आपका कांस्टेबल पद में जाने के लिए आपको माध्यमिक का लेवल का जितना भी सारा बुक है उसका पढ़ाई करें, ठीक है। एसआई पद में जाने के लिए आपका जो हमारा एचएस का साइंस का आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और ग्रुप डी का नियो भर्ती शुरू हो गई तो ग्रुप डी का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बढ़िया गुड न्यूज़, बहुत सारा वैकेंसी है। न्यू आरआरबी आरपीएफ का कांस्टेबल पद में न्यू वैकेंसी आया, तो वीडियो को एंड तक देखो और कितना एज लिमिट लगेगा, कितना क्वालिफिकेशन लगेगा, कितना पोस्ट है आरपीएफ में, तो आपको फुल डिटेल्स हम बताएंगे। आप लास्ट तक देखते रहे और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तो साथियों आरपीएफ का करीब 12,000 पोस्ट न्यू वैकेंसी आया 2023 रिक्रूटमेंट में, तो 12,000 पोस्ट में मेल और फीमेल के पद में लिया जाएगा। तो 9,000 कांस्टेबल पद में है, एसआई 3,000 पद में है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, आपको कांस्टेबल में जाने के लिए माध्यमिक पास लगेगा और एसआई पद में जाने के लिए एचएस पास लगेगा 12th पास, ठीक है। तो आपका एज लिमिट भी रहेगा 18 से 30 ईयर्स तक। आप अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको पहले एग्जाम की रेलवे का पहले एग्जाम कर दिया गया सीबीटी एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप सीबीटी एग्जाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि 12,000 पोस्ट हमारे लिए न्यू आ गई तो गुड न्यूज़ है, बहुत सारा साथियों न्यू जॉब मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से अपने पढ़ाई को ध्यान से करो और अपना फिजिकल को भी तैयारी करो, क्योंकि हमारे जो आरपीएफ का फिजिकल टेस्ट होने वाला है 1600 मीटर, तो 1600 मीटर बहुत ही टॉप रनिंग है, उस टॉप रनिंग के लिए आप प्रैक्टिस भी करें। आपका एज लिमिट है 18 से 30 ईयर तक। अगर 18 उम्र आपका हो गई तो आप 30 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अपना आरपीएफ का भर्ती बहुत ही आपका लिए गुड न्यूज़ है। आपका क्वालिफिकेशन भी कांस्टेबल पद में जाने के लिए माध्यमिक पास, एसआई पद में जाने के लिए आपको एचएस पास। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, आप जाकर अपना वीडियो को फुल डिटेल्स देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है। तो मेल और फीमेल, मेल के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 12,000 में से मेल के लिए 10,000 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2,000, ठीक है। तो आप फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल के लिए एक मुझे कमेंट किया था जो आरपीएफ का भर्ती कब होगा, तो आरपीएफ का भर्ती सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी भी हमारा नोटिस दे दिया लेकिन अप्लाइंग डेट घोषणा नहीं हुई, तो जिस तारीख से अप्लाइंग डेट घोषणा होगी आपको एक वीडियो पोस्ट करके हम अवश्य जानेंगे, न्यू अपडेट हम करते रहेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे और मेरे चैनल को फॉलो करें, ठीक है। तो देखो 18 उम्र आपका हो गई, एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे दिया, अगर 18 उम्र आपका हो गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आरपीएफ के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं, आपका एज लिमिट 30 ईयर्स तक है। उसके अलावा हमारे जो एससी एसटी का कैटेगरी है उसको 3 ईयर्स तक रिलेक्शन मिलेंगे, तो आप अगर एससी हो एसटी हो तो आप 3 साल तक छाड़ मिलेंगे आपको। तो यह भी बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत सारे साथियों का 30 एज पार हो गई, 32 से 33, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट तो चांस पाएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत सारा है, 9,000 से 12,000 तक, कांस्टेबल पद के लिए 9,000, एसआई पद के लिए 3,000। तो आप जरूर अपना तैयारी करके
अपना एसआई पद कांस्टेबल पद में जाने के लिए तैयारी करें। तो रेलवे पुलिस फोर्स बहुत ही सुविधा वाला, बहुत ही हमारे प्रिय जॉब है। तो आप रेल में जाने के लिए भी आपका कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप रेल के नौकरी करते हैं, आप जिधर भी जाएंगे ट्रेन में, तो आपको कोई भी टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो रेलवे ग्रुप डी का भी नया भर्ती शुरू होगा, उसमें भी करीब 1,24,579 पोस्ट है। आरपीएफ का न्यू वैकेंसी जारी हुई, एनटीपीसी आएंगे, ग्रुप सी आएंगे। तो रेलवे का बहुत सारा वीडियो हम करेंगे और नया नया रिक्रूटमेंट आएंगे, ठीक है। तो आपको रेलवे का जितना भी सारा अपडेट आएंगे आपको हम बताते रहेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन होकर अपना फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम बहुत ही टफ होने वाला है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 7 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो आपको इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, ये सारी को पढ़ाई करके तैयारी करके ही जाना है। नहीं तो सीबीटी एग्ज़ाम सभी को पता है, अब अग्निवीर में भी सीबीटी एग्ज़ाम कर दिया गया, एसएससीडी में भी सीबीटी एग्ज़ाम। तो आपको पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर फिजिकल का, ग्रुप डी का भी पहले एग्ज़ाम होगा। तो आप जितना चाहिए अपने आप को तैयारी करें। न्यू सीआरपीएफ का न्यू भर्ती आया 1,30,000, तो वो भी आप फॉर्म भरें। अप्लाइंग डेट अभी से शुरू नहीं हुआ, नोटिस दिया था लेकिन हुआ नहीं। तो आपको जब भी अप्लाइंग डेट आएंगे, इस तारीख से फॉर्म भर्ती होगा, आपको हम डिटेल्स बताएंगे। तो आज वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। तो आपको थैंक यू। एक बीएसएफ सर का चैनल है डेंजर फिटनेस 2M। तो बीएसएफ सर एसएससीडी का जितने भी सारे जो फिजिकल 24 तारीख से शुरू होगा, फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर रनिंग का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आप अगर एसएससीडी में जाने वाला हो तो डेंजर फिटनेस 2M चैनल को जाकर देख सकते हैं, ठीक है।